हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथकॉम और आज एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वन ऑफ द नवरत्न कंपनी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें 1,060 लगभग 1,100 प्रोजेक्ट इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई है। इन वैकेंसीज की आज पूरी बात करने वाले हैं हम लोग। इन वैकेंसीज में हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस तरह आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस वेबसाइट पर जाकर, किस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, आपकी एज क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन कितना है, सारी डिटेल आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अंत तक बने रहिए ताकि सारी डिटेल्स आप लोगों को पता चल जावे। आज के वीडियो में हम लोग लगभग 6 तरह की वैकेंसीज की बात करने वाले हैं जो बेल के थ्रू निकली हुई है। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें तो उससे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं किस तरह की वैकेंसीज है। वैकेंसीज आपके पास 385 प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट की, 549 प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनी इंजीनियर की, इसके अलावा अप्रेंटिसशिप की भी वैकेंसीज है। तो आप लोगों ने जिस तरह ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह पढ़ाई कर ली है, अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली है, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, तो ये वाली वैकेंसीज आपके लिए है। हम ये भी देखेंगे कि इसमें किसी एक्सपीरियंस की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो किस तरह के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो सारी बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज के थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का थॉट है द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर में मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत अच्छी जॉब हो, तो आज आपको डिसीजन लेना है और आज आपके लिए हुए फैसले का रिफ्लेक्शन आप लोगों को आपके फ्यूचर में दिखाई देता है। तो आज आप लोग डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेते समय बहुत तसल्ली से बैठिए और एक बात ध्यान रखिए, ना कभी खुशी में ना कभी गम में डिसीजन ले। जब आप रिलैक्स हो, नॉर्मल मूड में हो, तब अपने जीवन के बारे में सोचिए और एक अच्छा और सुंदर डिसीजन लीजिए जिसका आपका फ्यूचर बहुत बेहतर हो सके। तो ये तो रहा आज का थॉट। सेकंड बात कर लेते हैं अब वैकेंसीज की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए, वो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मछलीपट्टनम यूनिट प्रपोज एंड इंगेज 50 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप एंड 26 टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इसके तहत ये वैकेंसीज आई है। 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप आपकी रहेगी। कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? कंप्यूटर साइंस के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, ये तो बात रही। बीटेक वालों की ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात है। इसमें जो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 11,110 रुपये मिलेगा। इसके अलावा टेक्नीशियन डिप्लोमा की जो अप्रेंटिसशिप है उसमें 12,25,25 इस तरह की वैकेंसीज हो, और ये मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल सभी ब्रांच के लिए 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप है, 10,400 रुपये मिलेगा। सभी इंडियन एलिजिबल है इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये MHRD नेट्स की वेबसाइट पर जाकर, अप्रेंटिसशिप के वेब पोर्टल पर जाकर आपको अपना कैंडिडेट, आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप के लिए बेल का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में फॉर्म को फिलअप करके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा के एक एनवेलप के साथ आपको फिलअप करके भेजना पड़ेगा। इसके बाद जो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं आप ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 31/12/2017 मतलब 2017 से पहले अगर कोई पास आउट है तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। 2018-19 और 20 वाला अगर कोई पास आउट बच्चा है तो वो इन दोनों अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में। इसके अलावा जो प्रोसेस दिया गया है यहाँ समझा दिया गया है, आपको लॉगिन करना है MHRD नेट्स पर, क्लिक ऑन एनरोल पे, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो आपका प्योरली परसेंटेज बेस्ड रहेगा। आपके बीटेक में जो आपकी परसेंटेज है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, और डिप्लोमा में जो परसेंटेज है एग्रीगेट परसेंटेज, फाइनल ईयर का नहीं, किसी सेमेस्टर का नहीं, एग्रीगेट और एवरेज परसेंटेज आप उसको कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 1 साल का पूरा प्रोग्राम रहेगा। आपको जो अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करना है? द ड्यूली फील्ड इन एप्लीकेशन अलोंग विथ अबोव
said document should be sent to manager HR Bharat Electronics Limited. यहाँ एड्रेस दे रखा है, यहाँ पर आपको 26/11 से पहले सारे डॉक्यूमेंट आपके फिलअप करके यहाँ पर सेंड करने हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर बता दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी, इसकी दूसरी वैकेंसी जो है ये भी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए 21/10 को ये आई है। और यही वाली वैकेंसीज मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये केवल कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए, कर्नाटका के जो भी स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा पास आउट है 2018 के बाद से, वो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी ब्रांच के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल, कमर्शियल प्रैक्टिस और लाइब्रेरी साइंस, सभी बच्चे यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट बात यह है कि केवल कर्नाटका स्टेट का वो बच्चा होना चाहिए। एक ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी, वही जो आपको पहले बताया गया 10,400 आपका आपका स्टाइपेंड रहेगा। यहाँ पर जो आपको जो प्रोसेस रहेगा वो सेम एज इट इज रहेगा। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रोसेस करने के लिए जो फॉर्म है वो किस तरह फिलअप करना है, वो सारी डिटेल भी यहाँ पर दे दी गई है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायर द फॉलोइंग ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिंग इन पंचकुला यूनिट एंड प्रोजेक्ट साइट, यूनिट है और प्रोजेक्ट साइट है बेल की, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ ट्रेनी इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी वैकेंसी है। वो वाली वैकेंसीज की डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनी इंजीनियर में 15 वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स पास आउट होना चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए 1/11 तक 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस तरह का रहेगा वो सारी डिटेल यहाँ पर बता दी गई है कि ये इस तरह का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल में 18 पोस्टें हैं, सेम 25 ईयर, 1 ईयर का रहेगा आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और ये सारा एक्सपीरियंस रहेगा। इसी तरह ट्रेनिंग इंजीनियर सेकंड में 60 वैकेंसीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन और MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं जो फर्स्ट क्लास पास आउट है, उन्हें 2 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, 28 ईयर एज है मैक्सिमम एट लिमिट, और इसके अलावा जो CCNA का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और डेटा रिलेटेड जॉब होनी चाहिए उनकी, डेटा रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया होना चाहिए या CCNA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस ये मिनिमम रिक्वायर्ड उन्होंने कर रखा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो 25 पोस्ट है, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए है, 28 ईयर्स एज है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस इस तरह का पूरा चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल की बात कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में 2 वैकेंसीज है। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट वैकेंसीज है। एज लिमिट, एज क्राइटेरिया ध्यान देना बहुत जरूरी है, 25 ईयर, 28 ईयर और 28 ईयर। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता ठीक है, BTEC होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो वाला एक्सपीरियंस बहुत मायने रखेगा। वर्क एक्सपीरियंस आपका इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, मेरिट लिस्ट इस तरह प्रिपेयर किया जाएगी। 75% जो होंगे आपके बोर्ड के मार्क्स या BTR या ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके रहेंगे, 10% आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा और 15% आपके इंटरव्यू के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लास्ट डेट है 25/11, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और 3 साल तक आपका रिन्यू किया जा सकता है। इस तरह से सारी ये डिटेल्स है। फीस है 2200 और प्रोजेक्ट इंजीनियर की 500 फीस है। आवेदन करने का सारा तरीका यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, वो आप लोग देख लीजिए और उस हिसाब से अपना एप्लीकेशन फिलअप कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, 50 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ पर है, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। ये वाली रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सभी ब्रांच के लिए, 1 ईयर का है। और सारे ग्रेजुएट बच्चे जो है 31 दिसंबर से 2017 से पहले जिनकी बीटेक हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल की एज होनी चाहिए, इसकी लास्ट डेट 23/11 है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन अपना डालना चाहिए और सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। इन्होंने ये भी बता रखा है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्रीवियस जो अप्रेंटिसशिप की पोस्टर थी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद जो हुई थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है इस PDF में। इन PDFs का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप PDF का लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा मेथोकम क्या कर रहा है, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके लिए हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वो बच्चा जूम पर गूगल मीट पर मेरे साथ ज्वाइन होकर मिनिमम फीस के साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है, जिसके थ्रू वो DMRC, ISRO इस तरह की वैकेंसीज डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पर जो भी वैकेंसीज आती है उनको क्लियर कर सकता है। इसके साथ ही हम लोग क्या करवाते हैं, मैथ्स की फर्स्ट ईयर डिप्लोमा मैथमेटिक्स और 9th से 12th मैथमेटिक्स की क्लासेस में लेते हैं। उनके फॉर्म के डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और हमें भेज दीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे सारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये सारी डिटेल है आपको किस तरह फॉर्म फिलअप करना है, तो ये वाला PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस PDF की हेल्प से आप तीनों अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए किस तरह एप्लीकेशन अप्लाई करनी है वो सारी चीज़ें देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु यूनिट में टेम्परेरी बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग इंजीनियर की 160 पोस्ट है, इसमें 28 ईयर
कि अपर एज लिमिट है और 2 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MCA का बच्चा होना चाहिए। जो CCNA के सर्टिफिकेट वाली बात थी वो सारी CCNA के सर्टिफिकेट वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है। जो सिलेक्शन प्रोसेस था सेम रहेगा। लास्ट डेट 21/11 है, तो आप तुरंत से तुरंत इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस प्रायर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो। इस बेंगलुरु में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और भी प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें 80 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की 28 ईयर की एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग इंजीनियर की भी पोस्ट है, मिनिमम 6 मंथ्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। 6 महीने का, साल भर का उसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। इस पोस्ट में अप्लाई करने के बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से जॉब पा सकता है, बहुत ही बेहतर जॉब पा सकता है। बैल इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ काम करने का उसको मौका भी मिल सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट बताना बहुत जरूरी है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के 254 पोस्ट है और डिफरेंट ब्रांचेस की भी पोस्टेज हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वो अप्लाई करने के लास्ट डेट इसमें अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 25 ईयर अपर एज लिमिट है, ये आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता है तो इनसे भी ब्रांचेस का बच्चा दे सकता है। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अदर एक्सपीरियंस हो वो अप्लाई नहीं करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है इस लिंक पर और 25/11 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 200 रुपये फीस रखी है और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 500 रुपीज़ फीस रखी है और एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस दिया गया है। आप वहाँ पर लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं ईजी वे में। इसके बाद एक और पोस्ट आती है बेंगलुरु बेस में ही, वहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर 100 और प्रोजेक्ट इंजीनियर 125 रिक्वायरमेंट है और उनके क्वालिफिकेशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए फर्स्ट लेवल, ये सारी पोस्टेज इस तरह से पूरी है। आप इसकी लास्ट डेट 21/11 है। तो हम लोगों ने बेल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बताई गई ये सारी जो पोस्टेज है इनकी बात की। इसमें 3 तरह के तो अप्रेंटिसशिप जॉब है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक बेंगलुरु यूनिट की जॉब है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 254 बच्चों की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाली पोस्ट। इस पोस्ट के लिए तो हर एक बच्चा जो बीटेक अभी किया हुआ है, वो पास आउट हुआ है, उसको अप्लाई करना चाहिए। 6 मंथ साल भर का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो जरूर से जरूर यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो सकता है, ये उसके पूरे के पूरे चांसेस है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, अपने एक्सपीरियंस जो अभी एक्सपीरियंस गेन करें इंडस्ट्री में उन फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें और एक अच्छी जॉब पा सकें। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है बट बहुत बेहतर जॉब है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों को। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।